अब मिनरल एंड बोन डिजीज का भी एलिमेंट है। नॉर्मली किडनीज ने फॉस्फेट को रिमूव करना होता है एंड कैल्शियम को सॉर्ट ऑफ लाइक रिटेन करना होता है, बट जब किडनीज काम नहीं कर रही दैट बेसिकली मीन्स फॉस्फेट विल बी रिटेन्ड लीडिंग टू अ कंडीशन ऑफ हाइपरफॉस्फेटीमिया। सेकेंडरीली द सेम किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ वाइटामिन डी एंड इट इज़ द एक्टिवेटेड वाइटामिन डी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। सो देर विल बी बोथ हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, एंड बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया देर विल बी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी PTH के लेवल्स एलिवेटेड होंगे जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होगी इन एन अटेम्प्ट टू ऐड कैल्शियम इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड कुड बी एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली, बट बाद में एक कंडीशन डेवलप होगी नोन एज फ्रैंक रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी होंगी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी होंगे, बच्चे को बोन पेन भी होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या क्या डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस मिनरल एंड बोन डिजीज? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है नोन एज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स की मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स की क्या क्या मैनिफेस्टेशन आएगी? इन्फेंट में रैकेटिक रोजरी आएगी, रिस्ट वुड बी वाइड इन अ चाइल्ड विद CKD, और हैरिसन सल्कस भी डेवलप होगा, और साथ में ओल्डर बच्चों में नॉक नीज डेवलप हो सकती हैं और स्कोलियोसिस भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन परसिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट वेस्टिंग। ठीक है, इसकी वजह से वॉमिटिंग के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है, एनोरेक्सिया के साथ प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इवेंचुअली डेवलप करते हैं Stage 3 के नियर अबाउट लीडिंग टू हाइपरकैलेमिया। ठीक है ना, अब लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। हमने स्टेजिंग भी करनी है सेवेरिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए, साथ में वी वॉन्ट टू फिगर आउट कि एटियोलॉजी क्या है, CKD हो क्यों रहा है। हम देखना चाहते हैं कि रेजिडुअल फंक्शन कितना है किडनी का। ठीक है, और हम कॉम्प्लिकेशंस को भी डायग्नोस करना चाहते हैं ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें। सो वी स्टार्ट विद अ CBC, वी डू द RFTs टू गेट एन आइडिया ऑफ द रेजिडुअल रीनल फंक्शन। ठीक है, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वी ऑल्सो डू हेपेटाइटिस सर्फेस एंटीजन एंड anti-HCV एंटीबॉडीज ताकि पता चले कि हो सकता है बच्चे को HEP B या HEP C की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। साथ में वी कैन डू PT एंड APTT टू गेट एन आइडिया कि हो सकता है बैकग्राउंड में कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो। हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसके अलावा हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स भी देखने होते हैं विच वुड बी डिरेंज्ड इफ बोन एंड मिनरल डिजीज इज अनकंट्रोल्ड। इसके अलावा हम विटामिन डी के लेवल्स भी देते हैं, स्पेसिफिकली 25-hydroxy vitamin D के लेवल्स देखते हैं बिकॉज 25-hydroxy vitamin D की एक्टिवेशन होती है बाई द किडनी। सो इफ किडनी इज़ प्रॉब्लमेटिक तो 25-hydroxy vitamin D के लेवल्स एक्यूमुलेट होंगे। इसके अलावा हमने PTH के लेवल्स भी देखने होते हैं। ये बेसिकली सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, CBC, RFTs, LFTs, etiologically hepatitis surface antigen और anti-HCV, इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट को मॉनिटर करने के लिए सीरम सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बिकॉज वी नो कि हाइपरकैलेमिया हो सकता है विच कैन बी लीथल। वी नो के बाइकार्बोनेट वेस्टिंग होती है, वी नो के टेंडेंसी होती है हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया की विच इज़ बैड बिकॉज इफ दीज आर नॉट मैनेज्ड समहाउ दे वुड लीड टू अ राइज इन PTH एंड इवेंचुअली बोन रिजॉर्प्शन। इसके अलावा हमने मॉनिटर करना होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स को भी, 25D के लेवल्स को भी एंड PTH के लेवल्स को भी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। हम यूरिन एनालिसिस भी करते हैं, इमेजिंग स्टडीज़ का भी सहारा लेते हैं, रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं इनटू न्यूट्रिशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनीमिया, मिनरल एंड बोन डिसऑर्डर एंड ग्रोथ हार्मोन थेरेपी एंड इफ नीडेड डायलिसिस। ठीक है, अब न्यूट्रिशन वाला क्या पॉइंट है? वी नो कि ग्रोथ फेलियर होता है एंड पार्ट ऑफ द रीज़न फॉर द ग्रोथ फेलियर इज़ ए कैलोरिक डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ ए स्टेट ऑफ सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन।
ठीक है ना। सो इसमें रिकमेंडेशन ये है, इसमें रिकमेंडेशन क्या है, पहली बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इट इज़ रिकमेंडेड कि इन बच्चों में जो कैलोरिक इनटेक है ना, इट शुड बी 100% ऑफ द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर दैट पर्टिकुलर एज एंड सेक्स। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तकरीबन वही होना चाहिए जो कि किसी भी हेल्दी चिल्ड्रन में होता है, यानी 45 से लेकर 60% ऑफ द कैलोरीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अबाउट 10-30% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एट्सेट्रा। लेकिन अगर बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग विद RFTs और बच्चे ने यूरेमिया डेवलप किया हुआ है, इन दैट केस देयर शुड बी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, आप प्रोटीन को कम करना चाहेंगे, इन दैट केस अबाउट 75% ऑफ द कैलोरीज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और ठीक है इसके अलावा क्या, एक तो हमने प्रोटीन के प्रोपोर्शन को कम किया हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी कम किया हुआ है, और इसके अलावा हम जब प्रोटीन देते हैं तो हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देते हैं ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन से मैक्सिमम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएं ताकि जो यूरिया प्रोडक्शन है वो मिनिमल हो, आपको कम प्रोटीन देनी पड़े और ज़्यादातर अमीनो एसिड्स जिनकी ज़रूरत है वो उसी मिकदार से आपको मिल जाएँ। इसीलिए आप प्राइमरीली फ़िश देते हैं, चिकन एंड एग्स। ठीक है, आगे उन्होंने अमाउंट भी बताई हुई है कितना देना होता है, 0.5 से लेकर 0.75 ग्राम्स पर kg पर डे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हाइपरफॉस्फेटीमिया का रिस्क होता है ना, तो हाई फॉस्फेट डाइट को आप अवॉइड करते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स। वाटर सॉल्युबल विटामिंस की डेफिशिएंसी हो सकती है तो वो आपने सप्लीमेंटेशन करनी होती है, फैट सॉल्युबल की डेफिशिएंसी हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड। ठीक है, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली हैं, कैलोरिक इनटेक कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कब इंडिकेटेड है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हम कैसे करते हैं वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हमें इन जनरल शुरू में कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी हो जैसे कि ऑलिगूरिया या हार्ट फेलियर, और जब रिस्ट्रिक्शन करनी होती है तो तब भी वी हैव टू मेक श्योर कि इतना पानी मिल रहा हो कि सारी जो इनसेंसिबल लॉसेज है ना और जो लॉसेज है यूरिन में वो कंपनसेट हो रहे हो। ठीक है ना, स्टेज 4 या 5 में भी जनरली आपको रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो, आपने बस मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगेन लेट्स टॉक अबाउट कि हम सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं। बात ये होती है कि रिकमेंडेशन ये होती है कि कोई एडेड सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, इवन जो नॉर्मल नेचुरल फूड आइटम्स हैं उनमें भी सोडियम होता है, ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू शुड अवॉइड। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लिया यानी हाइपरटेंशन या एडीमा, उनमें आपको बकायदा सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब पोटेशियम बैलेंस भी मेंटेन करना है ना, ये भी ऐसा नहीं होता कि हाइपरकलीमिया स्टेज 1 या 2 में या शुरू में डेवलप हो जाएगी, इट इज़ अनलाइकली टू हैपन, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अनटिल अबाउट स्टेज 4 to 5। ठीक है, लेकिन अगर किसी कोई बंदा स्टेज 5 में यानी कंप्लीट रीनल फेलियर में है तो उसमें हाइपरकलीमिया डेवलप हो सकता है एंड वी नो कि इट इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, सो इन जनरल अवॉइडेंस होती है हाई पोटेशियम फूड की जैसे कि बनानास हैं या जूसेस हैं। ठीक है, और अगर आप मैनेज करना चाहते हैं ना हाइपरकलीमिया को तो यू डू सो बाय गिविंग अ लो पोटेशियम डाइट, इफ़ इंडिकेटेड आप लूप डायुरेटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप केक्सलेट होता है विच इज़ बेसिकली एन ओरल रेजिन जो कि बाइंड करता है पोटेशियम के साथ, वो दे सकते हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली गिव ओरल एल्कलिनाइजिंग एजेंट। इन दोनों का क्या मकसद होता है, केक्सलेट एंड ओरल एल्कलिनाइजिंग एजेंट का पोटेशियम को बेसिकली बॉडी से रिमूव करना। एसिडोसिस भी तमाम बच्चों में डेवलप होती है, मैनेज कब करते हैं, इफ़ द बाइकार्बोनेट लेवल फॉल्स बिलो 20 mEq/L। ठीक है, इसीलिए जब हमने कहा था ना इन्वेस्टिगेशंस में तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम बाइकार्बोनेट को भी देख रहे थे स्पेशली बिकॉज हमने मॉनिटर करना है ना, तो मोमेंट इट फॉल्स बिलो 20 mEq/L तब हमें सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, ये भी हम ओरली टैबलेट्स देते हैं 6 घंटे के इंटरवल पर। एनीमिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट EPO देखकर।
हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज करते हैं, वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करते हैं अगर हाइपरटेंशन है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो वी बेसिकली अवॉइड फ्लूइड्स, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अगर बच्चा हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ प्रेजेंट करे, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम नाइफेडपीन देते हैं सबलिंगुअल, विच इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर हम इंट्रावीनसली डायज़ोक्साइड देते हैं। व्हाट अबाउट रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, पीटीएच को हम कम रखना चाहते हैं ताकि रिजॉर्प्शन ना हो, इसके लिए हमें हाइपरफॉस्फेटीमिया और हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करना है। हाइपरफॉस्फेटीमिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लो पोटेशियम डाइट देकर, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके, या कोई फॉस्फेट बाइंडर दे सकते हैं हर मील के साथ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ताकि जो फॉस्फेट फूड के अंदर है वो अब्जॉर्ब ना हो सके। हाइपोकैल्सीमिया को हम कैसे अवॉइड करते हैं, एक तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करते हैं, दूसरा हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करते हैं। जो विटामिन डी देते हैं ना नॉर्मली, दैट इज़ नोन एज अल्फा कैल्सिडॉल। तो जब ये लेवल्स मेंटेन रहेंगे तो पीटीएच ही बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी एक्सेसिवली, एंड बोन एंड मिनरल डिजीज़ नहीं डेवलप होगी। इन्फेक्शन को हमने मैनेज करना होता है, अगर यूटीआई है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे। ऑफन टाइम्स ये होता है कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अप्रोप्रिएट कैलोरिक इनटेक, फिर भी ग्रोथ फेलियर हो रहा होता है, बिकॉज जो पैथोजेनेसिस है ग्रोथ फेलियर की सीकेडी में, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन भी दिया जाता है। अगर बच्चा एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करे, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम डायलिसिस करते हैं, जिसकी सबसे कॉमन टाइप है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी डायलिसिस, लेकिन हम कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, लेकिन हम हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बेसिकली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बिकॉज डायलिसिस इज़ अ टेम्परेरी मेजर।